हेलो, आपका स्वागत है ट्रैवल विद मृगांक यूट्यूब चैनल पे और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। अभी टाइम है दोपहर की 1 बजे, धूप बहुत ज्यादा है जैसे आपको दिख रहा है, शायद देखें। बात कुछ ऐसा है, आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ SBI का जो सच। हालांकि SBI का दावा है 121 करोड़ लोगों में 5 आदमी से पूछने के लिए एक आपको मिल जाएगा जिसके पास SBI का अकाउंट है। जो पहली बार ये वीडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, मैं ट्रैवल ब्लॉग करता हूँ, बाइक लेके घूमता हूँ और मोटो ब्लॉग करता हूँ। ज़्यादातर जो नया जगह है वो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, इसके साथ साथ मैं टेक्निकल पार्ट जो प्रोडक्ट है उसका भी रिव्यू करता हूँ। मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए वीडियो एडिटर काम करता हूँ। आपके जैसे मेरा भी EMI है और EMI वगैरह ये सब लगा के मेरा 7-8 हज़ार ऐसे कुछ जाता है महीने का। और मैंने इसीलिए जो 13,000 रुपया जो 1 अप्रैल मैंने SBI के जो एक ब्रांच है मैंने वहाँ जाके उसको सबमिट करने गया, तो अनफॉर्चुनेटली उनका जो ईयर एंडिंग चलता है इस टाइम मुझे पता नहीं था, उसी दिन वो ब्रांच जो है मेरा लोकल ब्रांच वो बंद हुआ था। हालांकि जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था वो मेरा सैलरी अकाउंट था प्रीवियस कंपनी का। एक ATM काउंटर है जिसमें आप पैसा डाल भी सकते हो सिस्टम में, वो ओपन किया हुआ था। मैंने वहाँ जाके उसको जो 13,000 रुपया 1 अप्रैल मैंने वहाँ जाके उसको सबमिट करने गया। हालांकि जैसे प्रोसेस था मैंने उसको सबमिट किया, सिस्टम पूरा बंद पड़ गया, मतलब शट डाउन हो गया पूरा। 10,000 की जो अमाउंट था वो 100 की नोट पे थे, आधा जो 3,000 रुपया होता है वो 500 के नोट था। उसके बाद एक फॉर्म दिया गया कि बोला गया कि आप दूसरे दिन बैंक के अकाउंट में वो जमा कर दो और उसके बाद आपका वो क्लियर हो जाएगा 7-8 दिन के अंदर। अब हालत देखिए, मैं 1 अप्रैल उसको जमा करने गया और मेरे कैलकुलेशन था 2-3-4 तारीख से मेरा जो EMI वो कटने वाला था। और जो EMI भरते हैं हम लोग, आपको पता है एक EMI अगर आपको बाउंस हो जाए तो आपको चार्जेस लगता है, आपका जो सिविल है वो ख़राब हो जाता है। और उसके बाद उसको क्लियर करने के लिए बहुत कुछ पापड़ आपको बेलना पड़ता है। 2 अप्रैल मैं ऑफिस के जाने के पहले 12 बजे से मेरा ऑफिस था, मैं 11 बजे गया बैंक में, वो सबमिट किया तो एक ऑफिसर था उनमें वो सबमिट करके वो ले लिया। उसके बाद मैं भी सोचने लगा कि आप ये जुगाड़ करना था वो भी पैसे, क्योंकि आपको बैंक से ही वो कटता है। तो मैंने एक अरेंज किया और उसको अकाउंट में मैंने उसको शाम को 2 तारीख को शाम को जो सफिशियंट बैलेंस जो EMI कटने वाला था वो मैंने बैंक में जमा कर दिया। मैं जब जमा किया उसके बाद मुझे 10 दिन का टाइम दिया गया। मैं आफ्टर 10 डेज मैं बैंक में गया। इस बीच में मैं प्रीवियस कंपनी से जो नया कंपनी है उसमें भी ज्वाइन कर गया था। और आपको पता है नया कंपनी में कोप अप होने में थोड़ा टाइम लगता है और ऐसे टेक्निकल बात पे, तो ऐसे कुछ मैं आपको पता होता है कैसे कशमकश होता है नया कंपनी में जाने के बाद। तो इसी हालत में मैं फिर बैंक गया, तो मैं ऐसे बीच में अटका हुआ था। मेरा EMI भी कट रहा था जो कि मैं मैनेज करके दिया हुआ था, उसको भी क्लियर करना था और मेरा पैसा भी नहीं आ रहा था। ऐसे हालात में आपको समझ में ही आ रहा है मेरा हालत कितना ख़राब हुआ था। तो इसी बीच में मैं वेट करता रहा कब वो SBI का पैसा मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो, तो वो हो ही नहीं रहा था। मैंने फिर 4-5 दिन बाद बैंक में गया तो बैंक का जो ऑफिसर उन्होंने रिसीव किया था वो वाला, वो छुट्टी में थे। उसके बाद वो आए, इस बीच में कुछ दिन निकल गए और उसका जो रवैया था वो आपका पैसा है वो कब मिलेगा हमें पता नहीं, हम तो छुट्टी मनाने जाए, तो ऐसे कुछ रवैया था। आपके साथ भी सरकारी जो बैंक सरकारी जो ऑफिस है इनमें शायद हुआ है, आप रिलेट कर सकते हो। आपको पैसा चाहिए, आपका पैसा है, आपका पैसा आप खुद जमा किया, आपका एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक के एंड में प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको पैसा नहीं मिल रहा है, नया ऑफिस का प्रेशर है, आपका सब कुछ काम ठीक तरह से चलना है, उसके ऊपर ही आपको ठीक करना है। पूरा चिढ़ गया था उस वक्त, लेकिन मैंने कुछ बदतमीजी नहीं किया, उसके साथ कोई ख़राब बात नहीं किया। मैं उनके दूसरे दिन बैंक में गया और मैंने कहा सर आप कहिए कि कहाँ मुझे मैं कहाँ इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अब जहाँ तक बोलोगे मैं वहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे पहले पैसा चाहिए और वो भी शॉर्ट टाइम पे। तो ये तो जाहिर सी बात है मैं तो गलत नहीं था, और बोला कि आप जाओ सर्विस मैनेजर से बात करो। तो मैंने गया, वो भी अपना कुछ अपने धोत से बोला,
जाओ नहीं चाहिए ऐसे कुछ भागो यहाँ से ऐसे। फिर भी मैंने उसको कुछ गलत नहीं बोला क्योंकि बैंक का कुछ रूल होता है, मैं अगर उस वक्त उनके साथ कुछ गलत कर बैठा होता तो शायद ये पैसा जो मिला मुझे बहुत कुछ करने के बाद जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो भी नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग होते ही ऐसे। दूसरे कुछ ज़रूरत है इन लोगों को, लेकिन हम वो करते तो शायद पैसा ही नहीं मिलेगा। तो मैंने सर्विस मैनेजर से बात किया, लाइन में लग गए सब कुछ एज पर रूल, तो वो भी मुझे बोला कि ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। फिर जाके मैंने ऑनलाइन पे रिपोर्ट करो, फिर मैंने वहाँ आया, उसके बाद मैं ऑनलाइन पे मेरा दोस्त के कैफ़े हैं उनमें जाके उनके साथ बैठे शॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, वो नहीं हुआ। फिर मैं बैंक ब्रांच में गया, उसके बाद बोला ये नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आप कॉल करके पूछो। मैं कॉल किया, पूरा दिन कॉल किया, नहीं उठ रहा है। फिर जो 3-4 बंदे उसको कॉल रिसीव कर रहे हैं 20-25 बार के करने की बात, तो बोल रहे हैं कि सिस्टम में गलती है, नहीं हो रहा है। उसके बाद शाम की 6 बजे एक कॉल ऊपर वाले की दुआ से रिसीव करते हैं और वो लोग करते हैं, मेरा जो ये सब रिकॉर्ड है वो नहीं है, मतलब मैंने कुछ पैसा जमा ही नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद मैं तुरंत बैंक में गया, मैंने बोला सर आपने जैसे कहा मैं वैसे किए लेकिन ऐसे कुछ रिकॉर्ड भी नहीं। वो बोलता है मेरे पास भी कुछ रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद मैंने बोला कि सर अब ये पानी जो है नाक के ऊपर आ रहा है, आप इसको शॉर्ट आउट करना चाहें। मैं कुछ बोला कि देखिए मैं आपके साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा एंड में प्रॉब्लम नहीं है, आपको ही इसको शॉर्ट आउट करना है। उनको पता चले ये बंदा अभी ये गर्म हो रहा है, अभी कुछ हो सकता है। वो उसके बाद जाके मुझे बोला थोड़ा देर आप वेट कीजिए, 4 बजे ऑफिस में जाना था, मैं 1:30 बजे तक वेट किया, मुझे अभी ट्रेन में जाता हूँ मैं, तो मैंने वेट किया। उसके बाद वो अपना रिकॉर्ड देखना शुरू किया, उसके बाद कुछ रिकॉर्ड उनके सिस्टम में भी नहीं था, मतलब मैं आया ही नहीं, मैं पैसा दिया ही नहीं, ऐसे जो बॉडी लैंग्वेज है ये उनका यही था। मैंने फिर उनके साथ बात किया, नहीं अब देखिए मैं CCTV चेक किए कीजिए, मैं जब बोला CCTV चेक कीजिए तो उनको उनका आंसर था आप 4,500 रुपया दीजिए मैं CCTV चेक करता हूँ। मेरा पैसा मैं खुद गया वो चेक करने के लिए, 4,500 रुपया मैं खुद उनको दूँ फिर वो चेक करें। तो अब तो मैं गर्म हो गया था, तो मैंने बोला सर ये नहीं होगा आप चेक कीजिए। तो उसके बाद बहुत ढूंढे वो लोग, उनका सब कुछ मिल गया, मेरा मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर सब कुछ उनके तरफ से सही था, मेरे तरफ से और उनके अकाउंट में भी मिल गया बहुत ढूंढने के बाद। पहले ये लोग ये ज़रूरत ही महसूस नहीं किया कि बंदे का पैसा अटका हुआ है, इसका EMI क्लियर करना है, कस्टमर है वो वैल्यूएबल कस्टमर है मेरा, सब कुछ उस बैंक में जाते हैं उस अकाउंट में, मेरा सैलरी भी इसी बैंक के अकाउंट में ही था, मतलब प्रीवियस कंपनी का थे दूसरे ब्रांच में, तो उनका कोई परवाह ही नहीं है। मुझे मांगा गया कि मैं वो दूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत खींचातानी हुआ, उसके बाद उसको मिल गया। पहले वो नहीं ढूंढा, बाद में आप मैं थोड़ा गर्म हुआ उसके बाद वो मिला। उसके बाद कह रहा है कि मैं कि जो अमाउंट है वो अमाउंट नहीं मिल रहा है, उसे 0-0 आ रहा है बहुत सारे। फिर मैंने कंप्लेन लॉन्च करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन बैंक में गया, मैंने बोला नहीं हो रहा है आपको ये शॉर्ट आउट करना है। उसके बाद वो बोला कि आप एक काम करो, हम लोगों की तरफ से ये कंप्लेन जो है हेड ऑफिस में कंप्लेन लॉन्च करना है। मैंने बोला कर दीजिए, तो बोला आप एक गुरुवार को आप शाम की 6 बजे आ जाओ, मेरा नया ऑफिस है और मैं एक इमरजेंसी सर्विस में काम करता हूँ और नया ऑफिस में मैं 4 बजे से मेरा ऑफिस रहता है और मैं वो नया ऑफिस से छुट्टी लेके आ जाऊँ 6 बजे। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने दूसरे दिन मैंने फिर गया बैंक के ब्रांच में, बोला आपको आने के लिए मैंने कहा था, मैंने सर आप अभी पीक आवर में आप काम कर रहे हो, मैं कहूँ कि आप 5 मिनट के लिए बैंक के बाहर आ जाइए, आपके साथ काम है आप आओगे। तब जाके उनको थोड़ा रियलाइज़ हुआ ये बहुत ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। भगवान का दुआ था वो उसके दिल में भी कुछ आए। वो फिर जाके मैंने मुझको बोला कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ आपके पेस। मैं वेट किया, अगर मैं 2 बजे वो मुझे लेके गए ब्रांच मैनेजर की जो केविन है उन पे, जाके मेरा CCTV चेक किया और पहले उसको फ़ोन पे बात कर रहे थे कि ये वो प्रॉब्लम है, तो बॉम्बे की जो हेड ऑफिस है उन्होंने वो इनके कमांड दिया कि आप एक काम कीजिए CCTV देखिए, बंदे ने अगर सच में पैसा दिया है तो आप क्रेडिट कर दीजिए। बात सुन के मुझे यही लगा,
मैं उस तरफ की बात तो नहीं सुन सकता, लेकिन रिप्लाई सुन के मुझे यही लगा। मुझे लेके गया बैंक मैनेजर की जो केबिन होता है उसमें, उसमें जाके ये सीसीटीवी वगैरह सब कुछ चेक किए, तो उसके बाद जाके मैं मेरे मुझे वो लोग पहचान पाए। मैं बोला ये ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए मैं हेलमेट रखा, फाइल से निकाला हुआ, ये पासबुक, ये मैंने ऐसे किए ऐसे किए, ये आपका जो है पैसा जो मैंने नहीं दिया, आपका जो सिक्योरिटी है वो मेरे से लेके दिया, और उसके बाद ये स्टक हो गया, उसके बाद ये चेक कर रहा है पूरा वगैरह वगैरह डिटेल मैंने उनको क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच का जैसा कमेंट्री होता है मैंने कमेंट्री करके उनको बताया। मैं मेरा यही कोशिश था भाई, मेरा जो पैसा है 13,000 मैं फंसा हुआ है वो मुझे वापस कर, मैं कुछ नहीं चाहता। और मेरा ऑफिस भी जाने का टाइम वो नज़दीक हो रहा था, अब ऑफिस में लेट पहुँचना मुझे आदत नहीं है, 2-3 मिनट लेट होता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लेट आपका वो इमेज ख़राब हो जाता है ऑफिस में। तो ये ऐसा हुआ, उसके बाद उसको जाके रियलाइज़ हुआ कि बेटा ये बंदा जो है वो सच बोल रहा है, ये ऐसा क्या। उसके बाद मुझे बोला गया आप चिंता मत कीजिए, आपका जो पैसा ये 2 पहर के अंदर जो है क्रेडिट कर दूंगा मैं। वो बात सुन के मुझे इतना राहत मिला। अब ये पैसा फंस गया था 1st of April, जो अप्रैल फूल हो गया था मेरे साथ SBI कर दिए थे, और पैसा मुझे वापस मिला 26 अप्रैल, मतलब 25 दिन बाद ये जो पैसा है कड़ी मेहनत के बाद ये मुझे वापस मिला। आप जान के जो है बहुत हैरानी में पड़ जाएंगे कि मेरा जैसा प्रॉब्लम है, मैंने एक फॉर्म रिपोर्ट नॉट फाउंड लिख के रेड इंक से लिखा हुआ एक फॉर्म मैंने मेरे फॉर्म के नीचे ही देखा, मेरे तरह वो बंदे का ऐसा पैसा फंसा हुआ। मेरा ये घर का नज़दीक है ये ब्रांच, अगर वो बंदा दूर का है तो वो उनका पैसा वो जितना दिन मेरे जैसा ये भाग दौड़ नहीं करेगा, मेरे जैसा इसका प्रेशर नहीं डालेगा, ऐसा नहीं करेगा, उस पैसा मिलेगा ही नहीं। जो ऑफिसर्स थे सर्विस मैनेजर मुझे हेल्प किया, इसके बाद ही मुझे पैसा मिला। अगर वो नहीं हेल्प करते, दूसरे ऑफिसर्स की तरह उनका रवैया होता तो मुझे पैसा और भी दिन लग जाता, और बैंक के जो मैनेजर है वो भी काफ़ी हेल्प किया उसी वक्त CCTV देखने में। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इलेक्शन भी ख़त्म होने वाला है और रिजल्ट आउट के बाद मैं एक राइड पे भी जाऊंगा, उसका भी तैयारी चल रहा है, देखते हैं कौन मेरे साथ जाता है। यही शेयर करना था आपके साथ। अगर आप यहां तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक करके जाइए, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे YouTube को भी पता चलेगा ये वीडियो अच्छा है, इसको कंटेंट अच्छा है, इसको दूसरे को दिखाना चाहिए कि ये मैटर ये ऐसा है। आप इंडिया में सबके पास SBI का अकाउंट होता है, हर घर में एक अकाउंट तो होता ही होता है, आप सबके पास अगर पहुंच जाए तो शायद दूसरे को भी मदद मिले। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो एक्साइटेड एडवेंचरस वीडियो है वो आने वाला है, जो ग्राउंड रियलिटी है। मेरा कोशिश होता है आप ग्राउंड रियलिटी को आपके सामने लाना। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए, अपने जो ड्रीम है उसको चेस करते रहिए, और बस अपने लाइफ को जिए, मज़े से जिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।